This video is brought to you by Skillshare, an online learning platform. हो सकता है यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, साउथ कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक बहुत ही धनी और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक देश माना जाता है, लेकिन साउथ कोरिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो इसे दुनिया के किसी आम देश से काफी ही अलग एक देश बनाती है। नंबर 10, पढ़ाई के लिए साउथ कोरियंस का पागलपन। हाल ही में OECD द्वारा वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में पेश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरियन स्टूडेंट्स अन्य किसी भी देश के स्टूडेंट्स के मुकाबले सभी इंटरनेशनल टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करते हैं। इसका कारण यहाँ के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का पढ़ाई के पीछे पागलपन को माना जाता है। एक आम साउथ कोरियन स्टूडेंट को दिन में 17 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स को स्कूल्स के बाद कंपलसरी लाइब्रेरी जाना पड़ता है, और साउथ कोरिया में लाइब्रेरीज को दिन में 24 घंटे खोल कर रखा जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया के वह स्टूडेंट्स जो कि साउथ कोरिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम यानी कि सुनियुंग की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई रात को 1 बजे होती है। नंबर 9, साउथ कोरिया में दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल 5G नेटवर्क। साउथ कोरिया पूरी दुनिया में अपने फास्ट इंटरनेट के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां इंटरनेट 28 MB/s स्पीड से काम करता है। इसके बावजूद भी कुछ ही दिनों पहले साउथ कोरिया में दुनिया का पहला कमर्शियल 5G नेटवर्क लॉन्च किया गया। नंबर 8, खूबसूरत लोगों को मिलती है नौकरियां। साउथ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां की कल्चर के हिसाब से किसी भी इंसान का चेहरा उसकी काबिलियत का आईना होता है, इसीलिए साउथ कोरिया में खूबसूरत लोगों को टैलेंटेड लोगों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। और साउथ कोरिया में चल रहे इसी चीज को रोकने के लिए हाल ही में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन द्वारा साउथ कोरिया के ज्यादातर पब्लिक सेक्टर्स में ब्लाइंड इंटरव्यू यानी कि बिना चेहरा देखे इंटरव्यू लेने का आदेश दिया गया। नंबर 7, खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी। खूबसूरत तो हर इंसान दिखना चाहता है, लेकिन साउथ कोरिया के लोगों में खूबसूरत दिखने का पागलपन सवार है, और इसीलिए साउथ कोरिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी न कभी प्लास्टिक सर्जरी तो जरूर करवाते हैं। और साउथ कोरिया के लोगों में प्लास्टिक सर्जरी का क्रेज इतना ज्यादा है कि आज के समय साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी के लिए दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक माना जाता है। नंबर 6, लड़के भी मेकअप करते हैं। साउथ कोरिया के ज्यादातर पुरुष हैंडसम दिखने के लिए मेकअप का काफी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी साउथ कोरिया में ऐसे टीवी सीरियल्स आते हैं जिनमें लड़कों को मेकअप करना सिखाया जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो इस छोटे से देश साउथ कोरिया के पुरुष सालाना $900 मिलियन यानी भारतीय लगभग 63,000 करोड़ का मेकअप इस्तेमाल करते हैं। शायद इसीलिए साउथ कोरिया में कहावत प्रचलित है कि मेकअप इज जेंडरलेस इन साउथ कोरिया। नंबर 5, भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाता है साउथ कोरिया। यह बात शायद आपको हैरान कर दे कि भारत और साउथ कोरिया यह दोनों ही देश एक ही दिन यानी 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यहां तक कि भारत की आजादी के ठीक 1 साल बाद साउथ कोरिया भी उसी दिन आजाद हुआ। नंबर 4, सिर्फ 6 घंटे ही सोते हैं साउथ कोरियन। साउथ कोरिया एक बहुत ही धनी और विकसित देश है, लेकिन यह बात काफी हैरान करने वाली है कि आज से सिर्फ 1 से 2 दशक पहले साउथ कोरिया इतना धनी और विकसित नहीं था, लेकिन साउथ कोरिया में बहुत ही तेजी से बदलाव आया जिसका कारण यहाँ के लोगों की मेहनत है। साउथ कोरिया के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और सिर्फ दिन में 6 घंटे ही सोते हैं। शायद इसीलिए आज के समय साउथ कोरिया के 70% लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं। नंबर 3, एशिया में सबसे ज्यादा शराब पीते हैं साउथ कोरियन। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ शराब काफी सस्ते में मिलती है। शायद यही एक कारण है कि यहाँ के लोग पूरे एशिया में सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया का हर नागरिक सालाना 10 लीटर से ज्यादा शराब पी जाता है। और साउथ कोरिया के कल्चर के हिसाब से अगर कोई आपको ड्रिंक ऑफर करे और आप उसे मना करें तो इसे एक बहुत ही रूड नेचर माना जाता है। नंबर 2, साउथ कोरियंस के लिए नंबर 4 है अनलकी। साउथ कोरिया भले ही एक विकसित देश है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग काफी अंधविश्वासी माने जाते हैं। साउथ कोरियन लोगों का मानना है कि नंबर 4 उनके लिए काफी अनलकी है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर नंबर 4 के बदले इंग्लिश के अल्फाबेट F का काफी इस्तेमाल किया जाता है।
नंबर वन, दुनिया से एक साल आगे चलती है कोरियन एज। साउथ कोरिया में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे उसी दिन से एक साल का मान लिया जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने गुजारता है, जो कि एक साल से सिर्फ थोड़ा ही कम है। इसके अलावा भी नए साल की शुरुआत के साथ उस बच्चे की उम्र एक साल और बढ़ा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो कोरिया में किसी बच्चे का जन्म अगर दिसंबर में होता है तो उसके जन्म के साथ ही उसे एक साल का मान लिया जाएगा, और सिर्फ एक महीने बाद जब नया साल शुरू होगा तब वह बच्चा अपने कोरियन एज के हिसाब से 2 साल का हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग हमसे यह पूछते हैं कि किस तरह आप भी हमारी तरह प्रोफेशनली वीडियोस को एडिट करना सीख सकते हैं, किस तरह आप भी वॉइस ओवर्स करना सीख सकते हैं, या फिर आप भी किस तरह से DSLR से प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना, कैमरे को सही से ऑपरेट करना, वेब डिजाइनिंग करना, सिनेमेटोग्राफी करना, ये सभी स्किल्स सीख सकते हैं, तो आप यह सीख सकते हैं स्किल शेयर पे। स्किल शेयर एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स पर एक्सपर्ट क्लासेस मौजूद है। इसके अलावा भी स्किल शेयर पर अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि बिजनेस, मोशन ग्राफिक्स, हेल्थ एंड फिटनेस, कुकिंग एंड बेकिंग, इन पर भी क्लासेस मौजूद है, और आप यह सभी चीजें घर बैठे सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनकी मेंबरशिप लेनी होगी। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर साइन अप करते हैं तो आप स्किल शेयर को 2 महीने फ्री में यूज कर सकते हैं, और अगर आपको यह बाद में पसंद आता है तो आप इसकी प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो जल्दी साइन अप कीजिए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।